गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं शीतल बाकर स्टॉक ब्रोकर एनिमलर्स। चलिए बात करते हैं क्या क्या फंडामेंटली चेंजेस आज हमने देखे हैं, क्यों निफ्टी इतनी मूवमेंट दे रही है आज, 100 पॉइंट ऊपर 130 पॉइंट नीचे, क्या चल क्या रहा है मार्केट में। और यस, स्पेशली आपकी सबके डिमांड पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। स्पेशली हम लोग आज इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, एज ए न्यूमरोलॉजी आप इंडेक्स में काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंडेक्स में काम करते हैं, मतलब लाइक ऑप्शंस निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में काम करते हैं या फिर फ्यूचर्स में काम करते हैं। जिन लोगों को ऑप्शंस में काम करना पसंद है, बट कभी कभी ऐसे होता है कि लक काम नहीं करता है। सो लक काम करने के लिए यस डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करेगी। अब कौन से बर्डेड ऐसा है जो इंडेक्स फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं। देखिए बर्डेड की पूरी टोटल आपको पता है, मैं लेती हूँ, मैं बर्डेड बर्ड टाइम बर्थ प्लेस ईच एंड एवरी थिंग्स मैं आपसे मांगती हूँ जब आपका पूरा स्टडी होता है। अब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर आपको काम करना है या फिर फ्यूचर्स ऑप्शंस में स्पेशली पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स में काम करना है तो वो अलग अलग स्टडी हो गया। अगर सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना है तो डेफिनेटली एक नंबर के लिए अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अब आप उसको काउंट कर लीजिए जिनकी बर्थ डेट 1 तारीख है, 10 तारीख है, जिनकी बर्थ डेट है 28, जिसकी टोटल आ रही है 1, तो उन लोगों के लिए अभी फिलहाल के लिए, जब तक मैं आपकी पूरी कुंडी नहीं देखूंगी तब तक के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स में आप काम करना रोक दीजिए। नंबर दो वालों के लिए निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करना, मतलब वही इंडेक्स फ्यूचर्स में काम करना सूटेबल रहेगा। नंबर 3 ऑल्सो सूटेबल रहेगा, मतलब आप उसमें ऑप्शंस फ्यूचर्स कर सकते हो, आप उसमें इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। अब देख लीजिए नंबर 4, आपको पता है कि नंबर 4 को सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा, तो ऐसे लोगों के लिए जिनके बर्थडेट में, देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ पहला करना है पूरे बर्थडेट के हिसाब से, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस मैं आप लोगों के साथ देती हूँ, ऐसे रेमेडीज देती हूँ जो एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज होती है, मतलब जो प्लैनेट्स आपके वीक है उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं और एज एनी कॉस्ट मार्केट में प्रॉफिट खींच के लाना हमारा काम होता है। सो नंबर 4 और नंबर 5 के लिए, यस नंबर 4 के लिए अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर 5 जिनकी बर्थ डेट है जैसे 5, 14 एंड 23, उन लोगों को सजेशंस देना ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर 6, यस इंडेक्स फ्यूचर्स में आप काम कर सकते हो, बट पर्टिकुलर बैंक निफ्टी या निफ्टी में काम करना है, ऑटो निफ्टी में काम करना है, गोल्ड निफ्टी में काम करना है, ये एक बार डेफिनेटली पहले कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद में आपको काम करना है। नंबर 7 जिनकी बर्थ डेट आती है 7/16, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी कि आप काउंसलिंग करना शुरू कर दीजिए। आप स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेड करते हैं उनके साथ आप डिस्कस करके उन्हें सजेशंस देना शुरू कर दीजिए, इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन रही नंबर 8, आपको तो पता है नंबर 8 के लिए मैं ऑलवेज स्टॉक मार्केट से दूर रहने के लिए बोलती हूँ, इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बेटर रहता है। फिर भी अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजीज एंड जो यंत्र जो आपके नंबर मिसिंग से ऐसे कुछ यंत्राज मैं आपको बना के देती हूँ उसके ऊपर आप वर्कआउट करोगे तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होते हुए आप देखोगे। नंबर 9 में काम कर हमेशा सरप्राइजिंगली प्रॉफिट देके जाता है या हमेशा सरप्राइजिंगली प्रॉफिट आपका सारा लेके आपको लॉसेस के चांसेस भी बढ़ा देता है, ये आपको भी पता है। फिर इसमें इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आपको करना है तो आपको वीकली एक्सपायरी करनी है या फिर आपको उसके साथ मंथ एंड की एक्सपायरी करनी है, ये सारी डिटेल्स भी जब आपकी बर्थडेट आ जाती है, स्पेशली जब आपकी पूरी कुंडली बन जाती है तब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो गाइस चलिए बात करते हैं फंडामेंटल, ये होगी मोटा मोटी एक जानकारी आपके लिए कि आपके बर्थडेट के हिसाब से आप फ्यूचर्स में, मतलब लाइक इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। देखो बर्थडेट बहुत मैटर करती है, मतलब होने दीजिए एक ही बर्थडेट, जैसे अगर आज है 9th ऑफ अक्टूबर तो आज काफ़ी सारे लोग बॉर्न हुए हैं बट सबके टाइमिंग्स अलग अलग है।
अब कभी आपने सोचा है कि 9th अक्टूबर वाला एक बंदा है और दूसरा 9th अक्टूबर वाला बंदा है, एक के पास काफी सारी चीजें हैं, एक के पास काफी सारी चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक को इजीली मिल जाती है, एक को इजीली नहीं मिलती है। यही होता है लक, मतलब एक बंदे का लक अच्छा है और एक बंदे को हार्ड वर्क करना पड़ता है, लक के लिए फाइट करनी पड़ती है। तो यही सारे सीक्रेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वो जो हार्ड वर्क है उसे कम करके हमें अपने लक की ग्रेविटी कैसे बढ़ानी है। तो गाइज, मिस्टर ट्रम्प ने बोल दिया कि छोटे छोटे पैकेजेस देना ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बड़ा पैकेज देने से जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उन लोगों को प्रमोट करने के लिए छोटे छोटे पैकेजेस की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। HIV वीज़ास की फ़ीस बढ़ा दी है और काफ़ी रूल्स स्ट्रिक्स वहाँ पे कर दिए हैं, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में हम लोग देख सकते हैं। कल की डेट में आपने देखा होगा 268 जो शेयर्स है उसका 5% से 10% कर दिया है और 10% से 20% अपर सर्किट कर दिया है, सर्किट जो लेवल्स है वो चेंजेस कर दिए हैं। उसके वजह से स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखोगे। ये वर्ल्ड बैंक ने बताया कि 2021 में 9.6% से इकोनॉमी घट सकती है और 2022 में FY 2022 में हो सकता है 5.4% से इम्प्रूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। मतलब 2021 तक उन्हें थोड़ी सी चिंता इकोनॉमी की यहाँ पे लग रही है, बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस रिलेटेड उन्हें चिंता लगी है और उसी लिए उन्होंने FY 21 में 9.6% से घट सकती है ऐसे बताया। अब रही बात GST काउंसलिंग की, तो GST काउंसलिंग की मीटिंग है 12th ऑफ अक्टूबर 2020 में, इसमें हो सकता है कॉम्पनसेशन के ऊपर थोड़ी सी बात हो सकती है। ITC का, TCS का रिजल्ट हमने देखा, अब आने वाले 13 तारीख को विप्रो का रिजल्ट है, क्या विप्रो भी बायबैक दे सकता है, इन सारी विषयों पे चर्चा डेफिनेटली हम लोग करेंगे। चलिए बात करते हैं, जैसे मैंने आज आपके साथ शेयर किया लिए उसी तरीके से, एंड बैंक निफ्टी में किन किन क्लाइंट को मैं अलाउड करती हूँ। आप देख सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे पुट खरीदे गया है 29th अक्टूबर के और बेच भी दिए हैं। आप रेट देख सकते हो यहाँ पे 86.65, 86.65, 94.93 पे बेचा है, फिर 84 पे लेके फिर 89.50 पे बेच दिया है। और टाइमिंग्स आपको पता ही है कितने शॉर्ट टाइम में मैं ऑलवेज ट्रेड करते रहती हूँ। वन ऑफ माई क्लाइंट जिन्हें निफ्टी और बैंक निफ्टी में करना अलाउड है, आप देख सकते हो 12 रुपीज़ 25 पैसा, सॉरी 12:25 पे लिया गया है और 12:27, 12:28, 12:20, 30 पे लिया है, 32 पे निकाल भी दिया है। इसी तरीके से छोटा सा प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो आप हर एवरी 3 में आपने देखा होगा यहाँ पे ट्रेड है और 1581 का प्रॉफिट है। इसी ही बोला जाता है परफेक्ट ट्रेड। सो टिल देन गाइस, आज मैंने आपके साथ काफ़ी सारे बातें की है, काफ़ी सारी नॉलेज मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है, 1 से लेके 9 तक यस किन किन लोगों के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स ज़रूरी है वो बताया गया है और उसके बाद में मैंने आपके साथ शेयर की है आज के फंडामेंटल न्यूज़ एंड आज का ऑप्शन का प्रॉफिट, इसीलिए मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। यस, आज शाम में एक बैच शुरू हो रही है, साथ में अगर आप न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग करवाते हो तो 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। कल से एक बैच शुरू हो रही है, यस संडे स्पेशल ऑप्शन रिलेटेड एक स्टॉक मार्केट की क्लासेस की बैच होगी, उसमें काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो टिल देन गाइस, ऑल द बेस्ट।